आज हम बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट मैगी बनाएंगे। मैगी वैसे तो रेडी टू कुक होती है, लेकिन अगर आप एक ही टाइप की मैगी खा कर बोर हो गए हैं तो इस तरह से दो नए फ्लेवर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम मैगी बनाना शुरू करें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम वेजिटेबल मैगी बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक नॉनस्टिक में 1 से 2 टेबलस्पून जितना तेल गरम करने के लिए रखेंगे। तेल गरम हो जाने पर एक मीडियम साइज का प्याज उसके अंदर इस तरह से रफली चॉप करके डालेंगे और उसे 1 से 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें हाई टू मीडियम के बीच में रखनी है। जब भी आप मैगी बनाएं तो उसे फुल फ्लेम पर ही बनाएं, और ये जो वेजिटेबल है उसे भी हमें 100% कुक नहीं करना है। जब आप उसे खाएं तो वेजिटेबल का क्रंच आपको आना चाहिए। जब प्याज इस तरह से सौते हो जाए तब उसके अंदर हम एक आधा कैप्सिकम डालेंगे, उसे भी इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे। कैप्सिकम को भी हमें 1 से 1.5 मिनट तक सौते करना है। कैप्सिकम के बाद उसके अंदर हम टमाटर डालेंगे। मैंने अभी आधा टमाटर लिया है, आपका टमाटर छोटी साइज का है तो आप पूरा 1 ले लें। टमाटर का जो बीच वाला बीच का हिस्सा होता है उसे हम निकाल देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद टमाटर जब थोड़े से गल जाए तब उसके अंदर हम बॉईल किए हुए मटर डालेंगे। आप चाहे तो मटर के साथ साथ गाजर और फ्रेंच बीन्स भी डाल सकते हैं। तीनों को आप एक साथ बॉईल कर लें। अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ मटर डाले हैं। अब इसके अंदर हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। नमक आप थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि हम जो मसाला इसके अंदर डालेंगे उसमें भी थोड़ा सा नमक होगा, तभी हम ये वेजिटेबल के जितना ही नमक इसके अंदर डालेंगे। अभी हम मैगी का जो मैजिक मसाला आता है वो डालेंगे आधा पैकेट, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। दो हरी मिर्च को इस तरह से टुकड़ों में कट करके डालेंगे। आपको जितना तीखा पसंद हो उसके हिसाब से आप मिर्ची डालें। हम जो मसाला इसके अंदर डालेंगे उसमें भी मिर्च होगी, तो मिर्ची आप उस हिसाब से डालें। अब इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। अभी यहाँ पर मैं 5 रुपए वाले मैगी के जो पैकेट आते हैं ऐसे 3 पैकेट में से मैगी तैयार कर रही हूँ, तो मैंने 2 कप पानी इसके अंदर डाला है। अब मैगी के पैकेट के अंदर जो मसाला आता है वो डालेंगे। अभी यहाँ पर मैं 3 पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 3 मसाले के पैकेट इसमें हम डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे उसे। पानी जब इस तरह से उबलने लगे तब उसके अंदर हम मैगी को इस तरह से थोड़ा सा तोड़ के डाल देंगे। गैस की फ्लेम अभी हम एकदम हाई कर देंगे और उसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। 3 से 4 मिनट में मैगी तैयार हो जाएगी। 2 मिनट के बाद ही मैगी इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। अभी हम और 2 से 3 मिनट इसे पका लेंगे। 2 मिनट के बाद अभी हमारी मैगी बनकर तैयार है, तो हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और गैस बंद कर देंगे। अब हम दूसरी फ्लेवर तैयार करेंगे। तो दूसरी हमारी फ्लेवर है पिज़्ज़ा मैगी। तो उसके लिए हम एक नॉनस्टिक में 1 चम्मच तेल गरम करेंगे और उसके अंदर 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखना, नहीं तो आपका पिज़्ज़ा सॉस जल जाएगा। अब इसके अंदर हम 2 कप पानी डालेंगे। अभी हम 5 रुपए वाले मैगी के 3 पैकेट बना रहे हैं, तो मैंने 2 कप पानी डाला है। वैसे तो मैगी के पैकेट के ऊपर पानी का नाप लिखा हुआ होता है, तो आप उस हिसाब से भी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम एकदम से फास्ट करेंगे और अच्छी तरह पानी को उबलने देंगे। मैगी मसाला मैजिक का आधा पैकेट इसके अंदर डालेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर हम ओरिगानो डालेंगे। अब मैगी के पैकेट के अंदर जो मसाला आता है वो डालेंगे। 3 पैकेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 3 मसाले के पैकेट होंगे, तो वो अभी इसके अंदर हम डाल देंगे। पानी जब अच्छी तरह से उबल जाए तब उसके अंदर हम मैगी डालेंगे और उसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद इस तरह से मैगी तैयार हो जाएगी, तो गैस बंद कर देंगे।
जिस प्लेट में आपको मैगी को सर्व करनी है उसमें मैगी को निकाल दें और उसके ऊपर इस तरह से बारीक कट किए हुए प्याज और कैप्सिकम डालेंगे और उसके ऊपर ग्रेट किया हुआ चीज डालेंगे। थोड़ा सा टोमेटो केचप इस तरह से डाल देंगे। तो अभी तैयार है हमारी गर्मा गर्म वेजिटेबल मैगी और पिज्ज़ा मैगी। तो इस तरह से आप मैगी बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मैगी की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना ना भूले। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूले। तो फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक मज़ेदार रेसिपी के साथ।